हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद आर एस एम एम एंड हियर आई बैक अनदर वीडियो तो टुडे इज द पार्ट टू ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यू सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड तो आज हम कुछ नए एम को डिस्कस करेंगे और आप काफी सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि ये एम सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लगी है और इसको कंटिन्यू करें हर एक सब्जेक्ट के एम को कवर करवाऊंगा तो जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो शेयर करें ताकि उनको भी ये एग्जाम के पीरियड में किस तरीके से एम सी क्यूज को पढ़ना है और कैसे एम सी क्यूज से हम हमारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं वो सारी चीजें इसी तरीके से पता चलते रहे तो आज का सेशन शुरू करेंगे दैट विल बी पार्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज विच विल बी रिलेटेड टू योर पेपर तो बहुत सारी चीज़ें देखो एम सी क्यूज तो रिपीट नहीं होंगे लेकिन इसमें से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप कोई भी पेपर में एम सी क्यू सॉल्व कर सकेंगे चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का जो

तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वो कहाँ ट्रांसफर होगा तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद ओल्ड कंपनी तो ओल्ड कंपनी में हम डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स प्रिपेयर करते हैं तो जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स है उसमें जो बैलेंस बचता है मतलब लास्ट में जो आप बैलेंस मिलेगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंसर कैपिटल में रियलाइजेशन में या नन ऑफ द अबाउ तो ध्यान रखना जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बैलेंस आएगा वो हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और अगर आपको यहां पूछा जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो बैलेंस है जो रियलाइजेशन का बैलेंस है वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में और अगर जो हम शेयर्स इशू करते हैं इक्विटी शेयर न्यू कंपनी वहां का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड वेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड होंगे तो? तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपका जर्नल एंट्रीज क्लियर होना चाहिए सो वी आर पेइंग द एक्सपेंसेस आपकी जरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी जरल एंट्री क्या बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो यहां पे पूछा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा तो इसका राइट right आंसर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट ओके पॉइंट नंबर फोर्थ पे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटूटरी रिजर्व इनमें से कौन सा स्टैचुटरी रिजर्व नहीं है स्टैचुटरी रिजर्व जो हमारे अमाल में होता है जिसमें हम जर्ल एंट्री एक पास करते हैं लास्ट में अमाल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है बिल्कुल है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व येस बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी रिजर्व बट रिमेंबर कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ स्टैट्यूटरी रिजर्व विच यू हैव टू रिमेंबर ठीक है अगले पॉइंट में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो आपको पता होगा जब हम परचेज कंसिडरेशन ढूंढते हैं तब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं वी हैव नेट असेट्स मेथड वी हैव नेट पेमेंट मेथड वी आल्सो हैव इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड मतलब इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबाव तो ऑल ऑफ द अबाव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी ड्यूरिंग अमाल कमीशन तो ये ध्यान रखना मैंने सारे बेसिक्स से क्वेश्चन बनाए हैं ये आपको किसी बुक के पीछे नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा फिर आप कोई भी एम सी की उसको ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे यहां पे बोला गया है कि ऐसी कौन सी असेट है जो जब अमाल होता है तब हमारा थर्ड एंट्री आता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर का तो कौन सी असेट्स हम नहीं टेक ओवर करते न्यू कंपनी कौन से सेट्स नॉट टेकन ओवर करेगा करंट असेट्स बिल्कुल टेक ओवर करता है करंट असेट्स में स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसिवेबल कैश ये सारे कवर होंगे इन्वेस्टमेंट्स भी टेक ओवर करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्स असेट्स भी टेक ओवर करता है लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर फिक्टीशियस असेट्स ये टेक ओवर

तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा स्टेटूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अगले पॉइंट में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक तो आपने देखा होगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक की हम जर्नल एंट्री करते हैं और इसकी जरल एंट्री क्या है स्टॉक टू गुडविल गुडविल टू स्टॉक रियलाइजेशन टू स्टॉक या स्टॉक टू रियलाइजेशन तो डू रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी जरल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जहां पर आप कैलकुलेट करते हो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक पॉइंट नंबर नाइन में जाते हैं इन केस ऑफ अ ऑल लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एक्सेप्ट तो अमालगमेशन में आप सारे के सारे असेट्स को टेक ओवर करते हो फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते सिमिलरली आप सारे के सारे लाइबिलिटीज को टेक ओवर करते हो लेकिन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे पॉइंट से जो हम नहीं लेते तो इसका राइट right आंसर है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस करंट लाइबिलिटीज़ यू आर कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग शॉर्ट टर्म बोरइंग्स मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लेते हैं डिबेंचर्स भी हम लेते हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड ऑल पॉइंट्स कम्स अंडर दी करंट लाइबिलिटीज सब कुछ लेते हैं लेकिन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हम एंट्री नंबर थर्ड करते वक्त जो एंट्री नंबर थर्ड है आपका असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर का तब हम नहीं लेते फर्दर विच ऑफ़ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो दिस इज रिलेटेड यूर फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शंस दैट इज रिलेटेड विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन तो फॉरन करेंसी का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आपने देखा होगा एक्सपोर्ट का एंट्री नंबर वन जो उसका बेसिक एंट्री है वो यहाँ पर पूछा गया है सन्डरी डेटर्स डेबिट होता है क्रेडिटर्स डेबिट होता है एक्सपोर्ट सेल्स डेबिट होता है कि परचेसेज देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली जनरल एंट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है जहां से एमसीक्यू कंस्ट्रक्ट हो सकता है तो इसका एंट्री आपको आना चाहिए एंट्री क्या है एक्सपोर्ट का एंट्री है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स तो पार्टी को हम क्या बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स तो एंट्री हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स यही अगर परचेसेस में पूछा तो क्या होगा एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट तो यहां पे फिलहाल एक्सपोर्ट का पूछा है तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर फॉरन एक्सचेंज तो एडवांस रिसीव होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा सन्ड्री डेटर्स बैंक प्रॉफिट एंड लॉस या नन ऑफ द अबाउ द राइट आंसर इज आई होप कि आपको क्लियर है एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट तो डेबिट होगा बैंक ट्वेल्थ नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दिस इज रिलेटेड टू अर चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन तो वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को क्लोज करने के कौन से कौन से मोड्स है कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है वाइंडिंग अप वो भी हो सकता है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल वो भी हो सकता है कोर्ट की तरफ से हो सकता है तो इसका राइट right आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिस्ट है वो ध्यान से पढ़ के रखना वहां से एक ना एक एमसीक्यू आपके पेपर में बनेगा वहां से एक ना एक एमसीक्यू आपके पेपर में बनने ही वाला है तो लिस्ट सी लिस्ट डी लिस्ट ई या लिस्ट एच तो इसका राइट right आंसर है लिस्ट सी मैंने सारे डिटेल्स डाले हैं लिस्ट सी का मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का list. List का लिस्ट लिस्ट डी मतलब डिवेंचर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और लिस्ट एच का मतलब है सरप्लस और डेफिशिएंसी अकाउंट तो आपको ये थोड़ा सा लिस्ट एक बार पढ़ के रखना है ताकि यहां से कोई भी अगर एमसीक्यू बना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में जाते हैं एनी सम ड्यू टू एन एम्प्लॉई आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो वेदर इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर तो रिमेंबर इसका आंसर है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में पढ़ के रखें कि कौन से कौन से पॉइंट्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते हैं वहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है केस ऑफ आईपीओ if the शेयर्स are नॉट सब्सक्राइब्ड अप to डैश the होल मनी नीड्स to बी रिफंडेड आपने सुना होगा अंडर राइटिंग में रूल है सेबी की तरफ से तो इसीलिए हम अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते ताकि हमारा जो पॉइंट है अंडर सब्सक्रिप्शन का वो सॉल्व हो जाए तो उसके लिए अंडर राइटर्स होते हैं वो हमें प्रामिस करते हैं कि हम आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर देंगे अगर मार्केट में आपके शेयर्स बेचे नहीं गए तो भी तो कितने परसेंट तक सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है अगर उससे कम सब्सक्रिप्शन हुआ तो पूरा का पूरा हमको रिफंड देना पड़ेगा 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट एंड सिक्सटी परसेंट तो डू रिमेंबर इसका राइट right आंसर है 90 परसेंट मतलब 90 परसेंट ऑफ़ दियर इशू शुड बी सब्सक्राइब 90 परसेंट या उससे ऊपर आपका इशू सब्सक्राइब होना चाहिए उससे कम रहा तो एज पर सेबी गाइडलाइंस आपको पूरा का पूरा पैसा आपके शेयर होल्डर को जो एप्लीकेंट है उसको रिफंड करना पड़ेगा दीज आर दिफ्टीन क्वेश्चन विच वी हैव डिसकस टूडे आई होप कि आपको ये एम सी क्यू सीरीज अच्छी लगी होगी जितने भी आपके फ्रेंड्स है सब में शेयर करें ताकि सभी को इसका एडवांटेज मिले बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जितना आप नॉलेज दोगे उतना बढ़ेगा जितना आप लोगों की हेल्प करो करोगे उतनी आपकी भी हेल्प होगी तो एवरी वन शेयर विद योअर फ्रेंड सो दैट उनको भी ये पी डी एफ का काफ़ी हेल्प हो पाए तो ये जो पी डी एफ है मैं टेलीग्राम के ऊपर मेरा चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरे सेम तो आपको करना क्या है प्ले स्टोर में जाना है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविज़न विद एस एम तो वहाँ पर आप ज्वाइंट हो जाए वहाँ पे मैं सारे पी को शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम तक सारे के सारे पी डी एक कंबाइंड पी बना के शेयर करूंगा सो so दैट आपको इससे काफ़ी सारा एडवांटेज मिले सारे सब्जेक्ट्स के आपको एम ऐसे ही मिलेंगे कॉस्टिंग के टैक्स के तो अकॉर्डिंगली बी प्रिपेयर्ड और इसी तरीके से एम को देखते रहे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर